खबर बलेजन पर से, जहां गुरुवार की रात से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चहियोर जलजमाव की स्थिति से लोगों की परेशानी बढ़ गई। शनिवार के दिन भी बरसात होती रही, घने बादल छाए रहे। अभी दो दिन तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तेज हवा व गरज के साथ बारिश का क्रम जारी है। हालत यह रही कि लोगों का घरों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हुई है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना भी हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की नर की स्थिति भी झेलनी पड़ रही है। शहर से लेकर गांव तक की सड़कें झील बन चुकी हैं, इससे आना जाना लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। जर्जर सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से लोग इसी में गिरते पड़ते किसी तरह से आवागमन कर रहे हैं। इस बार इस बड़े तूफान ने कई लोगों की आशाएं भी उजाड़ दी है, तो वही बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। बाढ़ क्षेत्रों का और भी बुरा हाल हो गया है। एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान, तो दूसरी तरफ आसमान से बरसने वाले इस आफत ने तबाही मचा कर रख दी है और लोग अपने घर में ठिठुक कर बैठने को मजबूर है। सबसे बुरा हाल पशुपालकों का है, जिनके पशु भी इस बारिश में परेशानी का सबब बने हुए। इस तरह चारों का संकट, दूसरी तरफ उन पशुओं की सुरक्षा करना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इस बारिश ने गरीब मजदूर लोगों की रोजी रोटी तक बंद कर दी है। ठेले खोचे लगाने वाले गरीब लोग, तो वही दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर सबकी रोजी रोटी इस बारिश में बंद पड़ी है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा। सब भगवान भरोसे घरों में बैठे हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस आफत को जल्द खत्म करें, ताकि लोग सामान्य जीवन जी सके। क्या नाम है आपका? राम बाबू शर्मा। कहाँ के निवासी हैं? रसड़ा। क्या इस बारिश में क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? काम धंधा में परेशानी चल रही है और कोई भी मजदूर काम करना मतलब दिक्कत आ रही है। क्या काम करते हैं आप? बक्सा बनाते हैं। तो बक्सा बनाते हैं आप, दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, इस बारिश में आपका काम चल रहा है? कहाँ चल रहा है, सब काम ठप हो गया है। कैसे रोजी रोटी का इंतजाम हो पा रहा है? कहाँ, सभी लोग घर मिस्त्री लेबर सभी लोग हम लोग बैठे हुए हैं अपने अपने घर। क्या भगवान से क्या मना रहे हैं कि दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से? प्रार्थना क्या करेंगे भाई, जो भी होगा वो देखा जाएगा, झेलना पड़ेगा, गरीब आदमी है हम लोग, क्या कर सकते हैं। देखा जाए कि हर तरह जल जमाव की स्थिति बनी है, कईयों के आशियाने भी उजड़ गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? हम लोग कारखाने में पानी तक सब भीग गया है, सारा सामान भीग गया है। आपका माल भी नुकसान हुआ है कुछ? चादर उदर सब भीग गया है, नुकसान हो गया है। अपना परिचय बताए। माता वालम। कहाँ के निवासी है? रसड़ा में रहेगा पूरा। दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या काम धंधे में आ रही है। काम क्या रहे? काम करते हैं, आपका धंधा क्या है? वही बक्सा वक्सा बनाते हैं। बक्सा बनाते हैं। आपके पीछे देखा जा रहा है कि कच्चा मकान है, वो भरभरा के गिर रहा है, किसका मकान है? मकान खुर्शीद पहलवान का है। तो इस बारिश में अगर मकान गिर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो क्या क्या आपका कहना है इस पर? दुर्घटना हो जाए तो भाई, बारिश हो रही है, लोगों को परेशानी हो रहा है। अब गरीब लोग हैं, उन लोग मकान नहीं बना पा रहे, काम दम नहीं होगा। तो जैसे दिहाड़ी जो मजदूरी कर रहे हैं, उनकी आज मजदूरी बंद है दो दिनों से, अनुमान जताया जा रहा है कि दो दिन और बारिश होगी, तो इस विषय में क्या कहेंगे? आप भी एक डेली काम करने वाले वर्कर हैं, किस तरह से आपका जीवन यापन हो रहा है, किस तरह परिवार चल रहा है? परिवार बहुत खस्ताहाली में चल रहा है, बैठ के हम लोग जो है यही सोच रहे हैं कब बारिश बंद हो और अगले दिन से हम लोग काम जो है चालू करें।